हेलो व्यूअर्स, सो वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में ट्रेड का, दैट इज़ एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रेड। ओके, तो देखो, जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट है वो गिवन है बाय इकोनॉमिस्ट दाविद रिकार्डो, एंड इनकी जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन पे बेस्ड है। तो ये जो बेसिकली कहता है कि कॉस्ट डिफरेंस इज़ द ओनली बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड बेनिफिट ऑल द पार्टनर इवन दोज लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर। तो जो स्पेशलाइजेशन है और फ्री ट्रेड है, स्पेशलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, ये अगर लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर भी है ना तो ये उसको भी बेनिफिट देता है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। यस, सो व्हेन वन कंट्री हैज़ अ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी एंड अदर इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। इंडिया नेपाल का एग्जांपल लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ लेबर की बात करें, सिर्फ एक यूनिट ऑफ लेबर, तो मान लीजिए इंडिया जो है वो 20x प्रोड्यूस करती है एंड नेपाल जो है वो 10x। ठीक है, एक्स के बारे में बात करें, या फिर और लिखा हुआ ना, यानी कि या फिर अगर इंडिया 10y प्रोड्यूस करती है तो जो नेपाल है वो 20y, राइट? तो एक्स हुआ हाफ वाई, एक्स हुआ 2y, फिर वाई को निकाल सकते हैं यहाँ तक। ओके ओके गाइस, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ टू यूनिट ऑफ लेबर की। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ टू यूनिट ऑफ लेबर की बात करें तो अगर हमारी कंट्री है इंडिया और नेपाल, तो दो यूनिट्स एक्स और वाई दोनों। तो अब प्रोडक्शन की बात करेंगे पहले हम बिफोर ट्रेड की, अभी ट्रेड नहीं हुआ है, ट्रेड अभी नहीं हुआ है, राइट? तो ट्रेड अभी नहीं हुआ है तो इंडिया जो है वो 20 प्रोड्यूस कर रहा है एक्स के और 10 प्रोड्यूस कर रहा है लेट्स से वाई के। एक ही एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम अभी ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और नेपाल की बात करें तो नेपाल 10x के एंड नेपाल 20, बिफोर ट्रेड बात कर रहे हैं हम, टोटल दोनों का बराबर है 30-30। अब आफ्टर ट्रेड देखो क्या हुआ, जो इंडिया है उसने ना, जैसे ट्रेड के बाद एक्स जो है वो सिर्फ उसने एक्स वाई गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं करा स्पेशलाइजेशन की वजह से, जैसे हमने बोला ना ऊपर कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है कि एक कंट्री की एक कमोडिटी में प्रोडक्शन ज़्यादा और दूसरे की दूसरी में। तो इंडिया ने क्या किया, एक्स को सिर्फ 40 प्रोड्यूस किया, वाई को नहीं करा। नेपाल ने क्या किया, एक्स को नहीं करा, वाई को करा। ठीक है, ये बात सेम रही प्रोडक्शन लेवल, जैसे ये सेम था, आई होप क्लियर है। अच्छा, अब ये देखो ये कितना हुआ चेंज इन प्रोडक्शन, कितना आया एक्स में प्लस 20, सिंपल कैलकुलेशन है, एंड ये माइनस का 10, फिर ये माइनस का 10 और ये प्लस का 20। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, वेरी गुड, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, अब देखते हैं हम, तो भाई इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज है गुड एक्स में, लेट से वो वीट हो सकती है, और नेपाल का है गुड वाई में। तो अब इंडिया क्या होगा कि 10x प्लस 10y अगर हम ऐड करें, और नेपाल में भी अगर हम 10x इंटू 10y करें, तो x के उसमें y की जगह पे हमने वन यूनिट में, देखो लास्ट उसमें जैसे टेबल जो बनाई थी प्रोडक्शन टेबल, वन यूनिट में तो यहाँ 2x रख देंगे और ये हो जाएगा 30x, एंड y जो है वो आ जाएगा हमारा, वाई जो है क्योंकि वो राइस में अच्छा कर रहा है प्रोडक्शन, मतलब गुड वाई में, तो वाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो 15y। अब यहाँ PPC कर्व देखो, AB और BC क्या हैं, ये तो PPC कर्व है, ये AB ये BC, नाउ दोनों स्ट्रेट लाइन है ड्यू टू द कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। AB जो है वो PPC है नेपाल का, AC जो है PPC है इंडिया का। नाउ इंडिया विल गेन फ्रॉम ट्रेड, इंडिया जो है वो आपकी पर गेन कर रहा है ट्रेड से, बिकॉज इफ इंडिया गेट 1y टू गिव अप द लेस देन 2x, मतलब ये
कि इंडिया को 1y मिल रहा है टू गिव अप लेस देन 2x एंड नेपाल विल गेन फ्रॉम ट्रेड नेपाल विल गेट मोर देन हाफ एक्स टू गिव अप 1y. तो नेपाल को जो है ये देखो ये हाफ एक्स से ज़्यादा मिलेगा 1y छोड़ने के लिए, ये अगर 1y है ना, और इंडिया को लेस देन 2x मिलेगा. ठीक है, दोनों ही गेन कर रहे हैं और तो इसलिए जो एरिया कॉमन है इसको ज़्यादा मिलेगा हाफ एक्स से और इसको 2x से कम मिलेगा, पर गेन दोनों को हो रहा है. इंडिया को एक्स कूड के केस में हो रहा था इसलिए जो बीच वाला पार्ट है ये है हमारा ट्रेड, है ना. सो दे बोथ ट्रेड. ठीक है, ओके. मूविंग टुवर्ड्स कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस. सो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस अराइज तब होता है एक्चुअली जब एक ही कंट्री, सिर्फ एक ही कंट्री का एडवांटेज है दोनों गुड्स में, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है पर एक ही कंट्री जो है बेस्ट है. मतलब अगर हम इंडिया की बात करें वन यूनिट ऑफ लेबर में, इंडिया की अगर हम बात करें वन यूनिट ऑफ लेबर में, तो वो अगर एक्स की हम बात करें तो एक्स कमोडिटी में भी इंडिया 20 है और नेपाल 10 है, और अगर वाई में भी अगर हम वन यूनिट लें तो इंडिया 10 है नेपाल 8 है. ठीक है, और इनके बीच का कॉमन रिलेशन तो वाई इक्वल टू 2x और वाई इक्वल टू 1.5x, राइट. नाउ दो यूनिट ऑफ लेबर की बात करें एक्स और वाई, तो बिफोर ट्रेड इंडिया जो है इसमें 20 है, इसमें 10 है, नेपाल इसमें 10 है, इसमें 8 है, ये ऐड कर लिया टोटल 30, 18. नाउ आफ्टर ट्रेड इंडिया जो है इसमें 40 है, मतलब अगर स्पेशलाइजेशन भी अगर हम करें तो 40 है एंड ये 0. और अगर नेपाल अगर वाई में कर भी रहे ना तो भी 16 कर रहा है, जैसे 20 × 240 एंड 8 × 16. सो सी ये प्लस 20 का इंक्रीमेंट हुआ, -10 -10 एंड ये प्लस 8 सिर्फ, तो ये 10 हुआ टोटल एंड ये हुआ माइनस का 2. सो इंडिया की अगर हम एक्स में बात करें, इंडिया और नेपाल को हम कंपेयर करें ना, तो एक्स में जब हम देखते हैं तो वो आ रहा है 6x एंड नेपाल आ रहा है 7.5x. ठीक है ना, तो देखो नेपाल है, ये है इंडिया हमारा, नेपाल 1y पे, ये 1.25x और ये इंडिया 2x. तो ये जो बीच वाला एरिया है दिस इज द ट्रेड पार्ट. तो लास्ट उसमें भी इंडिया यहाँ था नेपाल यहाँ था, है ना. तो देखो ये नेपाल का है, ये इंडिया का है. तो नाउ इंडिया विल गेट 1y टू गिव अप लेस देन 2x एंड नेपाल विल गेन फ्रॉम ट्रेड फॉर मोर देन 1.25x टू गेट 1y. आई होप इट्स क्लियर. समझ में आया. सो इट्स क्वाइट क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट इंडिया हैज द एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. हाँ, दिख तो रहा था अभी तक कि भाई इंडिया का एडवांटेज है वीट की प्रोडक्शन में, और नेपाल की बात करें तो उसका एडवांटेज है राइस में, राइस में है, राइट, है ना. ओके, राइस में है, और जो टोटल गेन है वो होगा भाई 10x - 2y. ये यहाँ से इक्वेशन आई. ठीक है, वे डाउट. तो हमने क्या पढ़ा कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस में, कि ये अराइज होता है जब एक कंट्री का एडवांटेज होता है कि वो दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करें कंपैरेटिव टू अदर, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है. मतलब कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस अराइज तब होता है ट्रेड के मामले में जब एक ही कंट्री का एडवांटेज है वो दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने में बेटर है, दूसरे के कंपैरेटिवली वो दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने में बेटर है, राइट. इंडिया जो है वो दोनों गुड्स के कंपैरेटिवली बेटर है, बट ट्रेड तो करना ही है ना, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों की डिफरेंट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है. इसलिए ये देखो इंडिया ये 6x पे कर रहा है और ये 7.5x पे इसको पड़ रहा है कॉस्ट, है ना, समझ रहे हो. तो इसलिए
इस तरह से ट्रेड होगा बेसिकली। और एक और होता है वो मैं बता देती हूँ आपको, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस। इक्वल कॉस्ट डिफरेंस मतलब ये मैं यहाँ साइड पे थोड़ा सा बता रही हूँ, आप लिख लेना आगे। इक्वल कॉस्ट डिफरेंस में क्या होता है कि एक कंट्री एफिशिएंट है टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिफरेंट नहीं, इक्वल है। तो जैसे इंडिया का यहाँ 20x है, 10y है, यहाँ 10x है, यहाँ 8y है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इक्वल करना है। तो जैसे 20, 10, 40, 0, 0, 40। अब यहाँ पे ना अगर हम इसे काम कर देते 5 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5। तो जैसे इक्वेशन में बन जाएगी 10x माइनस का 5y, तो ये इंडिया का 0 हो जाएगा, नेपाल का भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो PPC बनेगा वो सिर्फ ये बनेगा, यानी कि इस केस में जब भी इक्वल कॉस्ट डिफरेंस होगा कोई ट्रेड होगा ही नहीं, होगा ही नहीं ट्रेड, राइट। अच्छा देखो, इस ट्रेड में जब हमने कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस पढ़ा था तो इसके अजम्पशन, जाहिर सी बात है कि हम दो कंट्रीज ज़ूम करके चल रहे थे, और जो इसमें देखो अजम्पशन की बात करें तो सिर्फ टू कंट्रीज थी, लेबर ही था सिर्फ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लेबर ही काउंट कर रहे थे, और सारी लेबर जो है वो होमोजीनियस थी, है ना, पॉइंट नोट कर लो। और जो है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, नो गवर्नमेंट, एंड व्हाट एल्स, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो अब इतनी सारी एडवांटेज पढ़ ली, अब थोड़ी अजम्पशन पढ़ ली, अब थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ लो। तो थ्योरी का क्रिटिसिज्म यही है कि जैसे कि ये सिर्फ लेबर पे बेस्ड है, तो रियलिटी में सिर्फ लेबर थोड़ी ना होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं, लैंड कैपिटल, है ना, होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी हम लोग इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है, ये बेस्ड है फ्री ट्रेड पे, एंड दो गुड्स है, दो कंट्री है, पर रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता ना कुछ भी, और सारे यूनिट होमोजीनियस, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसी में आगे कि प्रोटेक्शन का बताना है कि हमें प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन से क्या मतलब है, और प्रोटेक्शन के क्या क्या वेज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्शन से हम रेफ़र करते हैं पॉलिसी है वेयर बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। नाउ एम इज़ टू इम्पोर्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ लो प्राइज प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू एनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग हाई प्राइज प्रोडक्ट। देखो मीनिंग भी समझो, प्रोटेक्शन मतलब कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाना है, सिंपल सी बात है। अब एम क्या है कि हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करें इम्पोर्ट के ऊपर, इम्पोर्ट समझते हो जो बाहर से आता है, तो इम्पोर्ट जो बाहर से आता है वो लो प्राइज्ड प्रोडक्ट्स का जो इम्पोर्ट आता है, हमें उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है जिससे कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हाई प्राइस प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कराएं, राइट। अब हम बात करते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे कि जॉब आर्ग्यूमेंट। नाउ इफ कंट्री इज़ अ इम्पोर्टर देन डोमेस्टिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। मतलब अगर कंट्री है इम्पोर्टर तो डोमेस्टिक आउटपुट भी गिर जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाएगी, और जो कंपैरेटिव एडवांटेज है दैट विल क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटी इन द सम इंडस्ट्री, राइट। नाउ सेकेंडली वी मूव ऑन टुवर्ड्स इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। सो जॉब आर्ग्यूमेंट में हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर इम्पोर्ट हुआ तो भाई डोमेस्टिक आउटपुट एम्प्लॉयमेंट दोनों फॉल हो जाएंगी। इनफैक्ट इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट में यह है कि इंडस्ट्रीज़ को अगर इन्फेंसी में ही प्रोड्यूस मतलब प्रोटेक्ट ना किया गया तो वो जो फॉरेन कंट्री है ना वो उनको कभी भी कंपैरेटिव एडवांटेज एंजॉय नहीं करने देगी, ठीक है। तो इसलिए हमें सब्सिडीज लगानी होगी हैवी इंपोर्ट पे, राइट, क्लियर है, कि
क्योंकि देखो अगर इंडस्ट्री अभी अभी खुली है और मतलब फॉरेन कंपटीशन हो गया तो वो इंडस्ट्री कभी भी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए हमें हैवी इम्पोर्ट्स मतलब हैवी इम्पोर्ट पे सब्सिडी लगानी पड़ेगी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स अनफेयर कंपटीशन आर्ग्यूमेंट। सी, इफ ऑल द फर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट रूल्स एंड लॉज देन इट विल बी अनफेयर टू कम्पीट। मान लो कि यार हर हर कंट्री के लिए अलग अलग रूल पास होगा तो कंपटीशन तो अनफेयर हो जाएगा ना। नाउ इफ वन वन इंडस्ट्री इज गिवन सब्सिडी, एक इंडस्ट्री को तो आप सब्सिडी दे रहे हो और दूसरी कंट्री पे आप टैक्स लगा रहे हो, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको इस तरह के कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देन प्रोटेक्शन एज अ बारगेनिंग चिप आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, सो थ्रेट ऑफ अ प्रोटेक्शनर कैन मेक अदर कंट्रीज मूव विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दे हैव। सो थ्रेट ऑफ अ प्रोटेक्शनर कैन मेक अदर कंट्रीज मूव विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दे हैव। देन वी हैव नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट। ये समझ में आया कि जो थ्रेट है प्रोटेक्शनर का कि भाई हाँ प्रोटेक्शनर हम लगा देंगे, तो उसी वजह से कुछ लोग जो है कुछ जो कंट्रीज हैं वो वैसे ही पीछे हट जाती हैं। नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि नेशनल डिफेंस की भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर जैसे आप कोई चीज़ है जो आपको भाई इम्पोर्ट करानी ज़रूरी है, मान लो स्टील है वो तो आप चाहिए है ना, क्योंकि गन वन बनानी है, तो उसके लिए आप नेशनल डिफेंस का भी हेल्प ले सकते हो। आई होप क्लियर है। नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट, प्रोटेक्शन एज अ बार्गेनिंग चिप आर्ग्यूमेंट, अनफेयर कंपटीशन आर्ग्यूमेंट, इन्फेंट आर्ग्यूमेंट और जॉब आर्ग्यूमेंट। क्लियर है। अब देखो वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या हैं। सो वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन है टैरिफ बैरियर। सो टैरिफ बैरियर इट्स इंक्लूड्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, बट नॉर्मली टैरिफ बैरियर्स आर कंसिडर्ड विद इम्पोर्ट ड्यूटी ओनली। सो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बैरियर इम्पोर्टेड गुड्स बिकम कॉस्टली इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड विच प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरन कम्पिटिशन। हाँ जी, तो देखिए तो टैक्स इम्पोज करने से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका भाई डोमेस्टिक प्राइस है, ये डिमांड एंड सप्लाई है ना, और अब अगर हम फॉरेन लोग क्या करते हैं कि फॉरेन लोगों का यही है कि वो प्राइस को जो है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, फॉरेन प्राइस कम हो जाता है। ओके गाइस, अब देखो सॉरी, ये जैसे ये डिमांड है ये सप्लाई है, तो ये जो सप्लाई लिखा हुआ है डोमेस्टिक मार्केट की, ये डिमांड है, ये भी डोमेस्टिक है उसकी। नाउ अब ये है प्राइस है, ये है क्वांटिटी है, ये सब है, अभी टैरिफ इम्पोज नहीं है, ये विदाउट टैरिफ है, दिस इज विदाउट है, मतलब ये आप समझ लो इसे विदाउट। यस, अब जब टैरिफ हमने लगा दिया तो देखो टैरिफ लगाने से क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई ये देखो टैरिफ लगाने के बाद ये आपकी क्वांटिटी के दो विभाजन जैसे हमने करे हैं, ठीक है ना। नाउ सॉरी गाइस, ये अभी तक जो भी था ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, अभी आप क्लियर कर लो इसे, एक्सट्रीमली सॉरी। सो ये देखो ये सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर करो, शुरू से बताती हूँ। तो कंफ्यूजन ये क्लियर करना है, एकदम बेसिक बात, डिमांड और सप्लाई, ये है डिमांड, ये है सप्लाई का, इतना बना दिया एग्ज़ाम में, प्राइस बना दी, क्वांटिटी बना दी, ये सब जो काम अभी तक हमने करा है ये सब काम एकदम थोड़ी क्लैरिटी से समझ लो, ये प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, अब यहाँ पर आओ, ये प्राइस क्वांटिटी आ गया। अब ये देखो ये हम यहाँ पे आए, ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करी। नाउ अब ये जो प्राइस है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है,
ये बिल्कुल अब सही इन्फॉर्मेशन के साथ है, और इस पे टैक्स है। तो अब जब टैक्स नहीं है तो आप देख रहे हो प्राइस कितना कम है, टैक्स आ गया तो प्राइस बढ़ गया ना। तो अब जब टैक्स नहीं था तो आप देख सकते हो क्वांटिटीज को, आप देख सकते हो है ना, और जब टैक्स आ गया तब देखो क्वांटिटी, ये पहले थी क्वांटिटी और अब आप देख रहे हो क्या चेंज आया इनमें। तो टैक्स लगाने का यही फ़ायदा है, मतलब अगर प्रोटेक्शन करवानी है तो आप यहाँ पे अगर कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकाल के देख सकते हो, तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज़ हो जाएगा, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अगर ये सी डी ई ई एफ एंड ये ए, ये हमारा बी, तो हमारा जैसे ये ए ए बी सी डी ई एफ है ना, तो बेसिकली जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस का डिफरेंस है ए प्लस बी, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा सी प्लस जी है यानी प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली बात ये आती है कि डेड वेट लॉस जो हमारा बचेगा, डेड वेट लॉस हमारे पास बचेगा जो ना कंज्यूमर के पास होगा, ना प्रोड्यूसर के पास, ना गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं एक अलग से लेक्चर बनाती हूँ, एक काम करती हूँ। अभी फ़िलहाल आप देख लो नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसे इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। सो इंपोर्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू बाय अ कंट्री एंड गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टर्शरी। इम्पोर्ट कोटा मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोर्ट इन द सिस्टम गवर्नमेंट, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंट्री। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। So thank you guys.